नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल बिहारी योद्धा में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में असर्ट्स एंड इंडिसेस को पढ़ा था और खत्म भी कर दिया था, तो आज हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद हैं। हम आशा करते हैं कि पिछला सभी क्लास आपको समझ में आया होगा। जो प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, आपको हमने बार बार बताया, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर जो है, जो नंबर दिया गया है उस पे पूछ सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ये आशा के साथ हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये है कि ये जो भी आपका सिलेबस दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो सब एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी के जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो कहीं विश्वास करिए थोड़ा सा, और विश्वास करने के बाद थोड़ा सा लोगों को जोड़िए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। ये हमारे आप लोगों से अपील है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। तो एसएससी जीडी का अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर अगर नहीं, हमको ऐसा लगता है कि हम एसएससी जीडी हमें बुला रही है, तो ये बैच आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि हम अपने समाज में एक स्टेबल पोजिशन पर जाए और एक अच्छा नाम रोशन करे, तो इसके लिए नौकरी बहुत जरूरी है भैया। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितने भी टैलेंटेड हैं, उससे पता नहीं चलता कि आपके पास कितना ज्ञान है। यहाँ लोग समाज में यही देखते हैं कि नौकरी है कि नहीं है। अगर मान लिया जाए मैं या आप कोई भी बंदा हो, अगर वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, पढ़ने में अच्छा है, उसका च्वाइस मान लिया जाए बीपीएससी का है, और वो नहीं नौकरी ले पा रहा है, छोटा भी नौकरी नहीं ले पा रहा है, बीपीएससी का च्वाइस है और छोटा फॉर्म भर ही नहीं रहा है जैसे रेलवे ग्रुप डी का, तो वो समाज भी आपको समझेगा ना कि ये ग्रुप डी लायक भी नहीं है, नहीं समझेगा कि ये जो है ना बंदा, ये बंदा जो है सिर्फ ऐसे ही पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है। अब मान लिया जाए जो बंदा अगर एसएससी जीडी में भी, आज का जो मेरा मिडिल फैमिली क्लास के वर्ग के जो समाज है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या है साबित करने के लिए, पहले एक छोटा सा जॉब ले लेना है, अगर छोटा मिले या पहले जो मिले वो ले लेना है, छोटा मिले या बड़ा मिले, कोई नौकरी छोटा कोई बड़ा नहीं होता। रही इस फिल्म का डायलॉग है ना जी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, तो वो डायलॉग को फिल्म में भी उतारिए, फिल्म देखिए तो उसको उतारिए भी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को साबित करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। आपके रिवीजन पूरा हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप पढ़ भी लिए हैं तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। चलिए एलसीएम और एचसीएफ को हम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम मतलब होता क्या है और एचसीएफ मतलब होता क्या है, बचपन में आप सीखे होंगे एक ही दो तरीके से, आज हम तीन तरीके से चार तरीके से निकालना बताएंगे कि एलसीएम एचसीएफ निकालते कितने तरीके से हैं, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, देखिए क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं शायद लसह, ठीक है, लसह, क्या बोलते हैं लसह हिंदी, हिंदी में ये तो लसह शॉर्टकट नेम हो गया ना, इसका पूरा नाम क्या हो गया, लघुत्तम समवर्तक, है ना, लघुत्तम समवर्तक। चलिए चलिए समवर्तक, ठीक है। तो और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देश सेवा का अगर जुनून है तो एसएससी जीडी का फॉर्म निकल चुका है, हम बहुत दिन से आपके लिए पढ़ा रहे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में सब चीज उपलब्ध है, आपको नंबर क्या है, स्क्वायर कैसे निकाले, क्यूब कैसे निकाले, नंबर सिस्टम क्या है, फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, सर्ट्स एंड इंडिसेस सब पढ़ाया हुआ है, पिछला लगभग 30-35 क्लास हम पढ़ाए हैं, सब जाकर देखिए अगर जिसको जरूरत है। तो देश सेवा का अगर जुनून है तो एसएससी जीडी के तहत आप जा सकते हैं, तो कहीं भी भटकिए नहीं। पिछले दो महीने में एकदम टारगेट बना लीजिए, आने वाले दो महीने में, कि हमको ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन आता है, और इस तरह से तैयारी करना है, तभी हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि सीट बहुत कम है। सीट जहां 50,000 की बात हुई थी कि 50,000 आएगा, वहां मात्र 20 से 25,000 सीट आया है, सॉरी हाँ 25,000 सीट आया है। तो 25,000 सीट से क्या होने वाला है,
भरने वाले फॉर्म जो होंगे ना वो करोड़ों में जाएगा, देखिएगा। तो बस ध्यान रखिएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं मसह, शॉर्टकट फॉर्म हो गया, तो इसको बोलते हैं महत्तम समवर्तक। ठीक है, महत्तम समवर्तक। ठीक है, तो ये होता है हिंदी। अब ये है क्या वो जानेंगे ना, हिंदी और इंग्लिश जाने से नहीं ना होगा, परीक्षा में तो ये नहीं आएगा, नहीं ना। तो एकदम देखिए बने रहिए हमारे साथ, एकदम आपको चलिए बताते हैं शुरू से क्या है। ठीक है ना, देखिए लघुत्तम समवर्तक क्या है, लघुत्तम समवर्तक क्या है, जैसे मान लिया जाए 6, 12, 18 का हमको अगर एलसीएम निकालना हो, मान लिया जाए लिख दिए एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18। ठीक है ना, तो 6, 12 एंड 18 का एचसीएफ भी हम मान लेते हैं, एचसीएफ भी निकालते हैं इस इतना ही का। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि लघुत्तम समवर्तक वह संख्या है, लघुत्तम समवर्तक क्या है, वह संख्या है, अगर नोट डाउन करना चाहेंगे तो लिख देंगे कि वह संख्या है जो 6, 12, 18 यहाँ पर जो नंबर दिया उसके लिए, अगर मान ले कोई नंबर दे देता ए बी और सी, तो ए बी और सी से विभाज्य होने वाला वह छोटी से छोटी संख्या है, कौन है, लघुत्तम समवर्तक। 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। ठीक है, तो 36 क्या है, 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 12 और 18 से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ऐसे 6, 12 और 18 से विभाजित होने वाले बहुत सारे संख्या है, 36 है, 72 है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 36 है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। ठीक है, एलसीएम वही है। अब एचसीएफ क्या है, तो 6, 12, 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या है, 6 जो है यहाँ पर एचसीएफ क्या है कि एचसीएफ बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिससे 6, 12 और 18 जो दिया गया नंबर है ना वो विभाजित हो जाएगा। देखिए इसमें दो तरह का टर्म है, देखिए 6, 12 और 18 किस किस से फैक्टर से कटेगा, तो बहुत सारे नंबर है 6, 12, 18 एक से भी, दो से भी, तीन से भी, तो वो चीज हम अभी बताते हैं कि एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या है जो 6, 12 और 18 है ना, यहाँ पर एचसीएफ क्या है, वो बड़ी संख्या है जो क्या करेगा, वो विभाजित कर देगा। ठीक है, लेकिन एचसीएम क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे मतलब ये जो दिया गया संख्या है उससे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा वो समझ लेते हैं, एलसीएम क्या है तो पहले वो समझते हैं। देखिए एलसीएम क्या है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल निकालना आप सीखे होंगे। चलिए हम सबसे पहले ये पहला स्टेप ये करेंगे कि स्टेप फर्स्ट यहां, स्टेप टू यहां और स्टेप थ्री यहाँ। ठीक है, स्टेप थ्री में क्या है कि लोवेस्ट चुनना है, स्टेप टू में क्या है तो कॉमन चुनना है, और स्टेप वन में क्या है तो मल्टीपल चुनना है। मान लिया कोई संख्या है 6, 12 और 18, तो इसका पहले क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है। क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है। हम एक तरीका बता रहे हैं जिसके तहत आप एलसीएम निकालते हैं, निकाल सकते हैं, आपने बचपन में निकाला होगा ये मेथड है ना, इसको बोलते हैं डिविजन मेथड। मान लीजिए 2 से लगाए तो 3, 6 और 9, फिर लगाए किस से, 3 से। ठीक है, तो 3 और 2 और 3 तो ये हो जाएगा 3 दुनी के 6 है ना, 6 दुनी के 12 बाकी 36, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, ये तो आप पढ़े हैं बचपन में, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट तरीका अपनाना होगा और कुछ नया भी सीखना होगा। ठीक है, तो नया सिखाते हैं। देखिए पहला क्या चुनना है, पहला मल्टीपल चुनना है। ठीक है, पहला मल्टीपल हम चुनेंगे, मल्टीपल लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30 है ना, 36, ये हमारा 6 का मल्टीपल हो गया। अब 12 का मल्टीपल कर रहा था, 12, 24, 36 है ना, क्या 48, 60 ऐसे जो भी, बहुत सारा मल्टीपल तो इनफाइनाइट होता है। हमने एक चैप्टर पढ़ाया है मल्टीपल और फैक्टर, उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाके समझ लेंगे मल्टीपल किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं, सब बताया है। 18 का मल्टीपल था 18, 36 है ना,
फिर 18 54 18 54 72 18 95 90 बहुत सारा ऐसा नंबर चलेगा। अब देखिए हमने मल्टीपल लिख दिया, पहला स्टेप हमने काम कर दिया, ठीक है देख रहा है ना। अब दूसरा स्टेप हम काम करेंगे कि कॉमन चुनेंगे, तो कॉमन इसे चुनिए, कॉमन कौन कौन है देखिए, तो 6 12 और 18 तीनों में कॉमन, कॉमन मैंने क्या समान, जैसे आप में और मेरे में क्या कॉमन है कि आपका भी दो हाथ है, मेरा भी दो हाथ है, आपके पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी एक दिमाग है, नहीं और आप भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, कि कम है कोई कम पढ़ता है कोई ज्यादा पढ़ता है वो अलग बात है। तो ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, फोकस करिए, है ना। सबके पास भगवान ने सेम हाथ सेम आंख मुंह सब दिया है, मेहनत भी करने का 24 घंटा समय सेम दिया है, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाबी के लिए क्या, बस आपको अंदर जुनून होना चाहिए, क्या कह सकते हैं उसमें जज्बा होना चाहिए, तभी ना सेना के नौकरी पर पाइएगा। चलिए तो 6 12 और 18 में कौन कॉमन, देखिए 18 इसमें है तो 18 इसमें है नहीं है, तो चलिए ही नहीं है कॉमन। चलिए अब देखिए 36 इसमें है तो इसमें भी है और इसमें भी है, चलिए 36 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो बड़ा नंबर ना आएगा, इधर जो भी नंबर आएगा ये बड़ा नंबर ना आएगा, बहुत सारा नंबर जो होगा, जैसे देखिए 72 यहाँ पर भी लिख दीजिए 108 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आगे चल के यहाँ पर 72 होगा ना जी, 36 के बाद 42 42 के बाद 54 54 के बाद 60 ऐसे करके होगा ना बहुत सारा, है ना, बोलिए कि नहीं होगा, 36 42 48 54 ऐसे करके 60 फिर 66 72, तो 72 आगे आने वाला है, तो देखिए 72 भी कॉमन होगा, 72 भी कॉमन होगा, है ना, 72 तीनों में है, तो ऐसा बहुत सारा नंबर जो आएगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, 6 में भी 12 में भी और 18 में तीनों में कॉमन कौन होगा, 36 भी 72 भी और 36 का जितना मल्टीपल होगा, 36 सबसे छोटा संख्या है। अब देखिए इसमें क्या है, तीसरा स्टेप हमको करना क्या है, दूसरा स्टेप ने तो पूरा कर लिया कि कॉमन चुन लिया, तीसरा स्टेप क्या कि हमको लोवेस्ट चुनना है, तो लोवेस्ट कौन हो गया, 36 ही ना होगा, लोवेस्ट 36 ही ना होगा, बोलिए इससे छोटा कुछ है जो तीनों में कॉमन हो, नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 36। समझ में आया बात, कि पहले हम लोग मल्टीपल फिर कॉमन फिर लोवेस्ट, ये आसान तरीका है, आपको इतना लिखना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम तो समझाए हैं ना, बस 18 का टेबल पढ़ लीजिए, अब 18 18 18 36 18 दुनी के 36, तो 36 देखेंगे कि 12 से कटता है, कहां 6 से कटता है, कहां तो मेरा आंसर 36 पर ही लॉक कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं कि 5 10 और 15, तो छोटा वाला तो हम पहाड़ा पढ़वे नहीं करेंगे, बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला का ही ना कॉमन हम चेक करेंगे उसमें है कि नहीं है, तो 15 का 15 15 दुनी 30, तो देखिए 15 अगर हम 15 एकम 15 पढ़ते हैं तो 15 5 से तो कट जाता है लेकिन 10 से नहीं कटता है, ठीक है, तो 15 दुनी 30 जब पढ़े तो 15 से भी कट जाता है 30 और 10 से भी कट जाता है 30 और 5 से भी कट जाता है 30, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। समझ में आ रहा है बात, नहीं तो बताइए, एकदम शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं जी अभी, जैसे मान लीजिए 4 6 और 8 इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो 8 का 8 8 8 जब पढ़ेंगे तो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से तो कट जाएगा, 8 का मल्टीपल हमको यही ना करना है, 8 16 24 ऐसे, यही ना, तो देखिए 8 तो 4 से कट जाएगा लेकिन 6 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अब 16 का देखेंगे, 16 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 24 को अब चेक करेंगे, है ना, तो 24 देखिए 6 से भी और 4 से भी, यानी कि 24 मेरा आंसर, कोई दिक्कत, मतलब मन में पढ़ना है, अब बड़ा वाला संख्या को चुनना है, ठीक है, अब बड़े वाला को चेक करेंगे ना, क्योंकि छोटा वाला तो चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा बार करना पड़ेगा ना प्रोसेस, हम बड़ा, ये तो एलसीएम का एक तरीका हो गया, और एक बचपन में तरीका डिवीजन वाला जो बता दिए, ठीक है। अब तीसरा तरीका देख लीजिए, तीसरा तरीका जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए कि 25 15 और 20 का हमको एलसीएम बताइए, 25 15 और 20 का एलसीएम बताइए, ठीक है। तो एलसीएम बताने के लिए 25 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 को भी प्राइम फैक्टर करेंगे और 20 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 25 को क्या 5 का स्क्वायर, 15 को क्या 3 × 5, नहीं 3 × 5, ठीक है। अब 20 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर × 5, ऐसे ही ना लिखेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं ना जी। अब चलिए तो एलसीएम क्या करेंगे, इसका एलसीएम बराबर क्या करेंगे, जो
जो संख्या यूज हुआ है, जैसे यहां पर कौन कौन संख्या यूज हुआ है, देखिए तो यहां पर यूज हुआ है दो भी, इसमें तीनों में देखना है, फिर क्या यूज हुआ है, तीन, तीन भी हुआ है और पांच भी हुआ है, पांच यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कॉमन नहीं देखना है कि तीनों में कौन, तीनों में कौन कौन संख्या यूज हुआ है, कॉमन नहीं चेक करना हमको अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालने के लिए संख्या को देखिए कौन कौन संख्या प्रयोग हुआ है यहां पर, ठीक है। तो प्रयोग हुआ है दो भी और तीन भी और पांच, तो तीनों में है, ठीक है। तो चलिए ये देख लिए, अब उसके बाद इसका हाईएस्ट पावर लिखिए, दो का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां है तीनों संख्या में, देखिए दो का पावर दो, तो चलिए दो के पावर दो रख देते हैं। अब तीन का हाईएस्ट पावर कितना है, तो एक ही बार है, तो रहने देते हैं। अब पांच का हाईएस्ट पावर कितना है, तो दो बार है, तो यही हमारा एलसीएम हो गया, यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। दो का स्क्वायर चार और हो जाएगा चाहती बारह, बारह गुने पच्चीस कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा तीन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी एलसीएम निकालने का है, एचसीएफ तो और आसान है जी, एलसीएम से आसान है एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। जैसे अगर आपको कोई कह दे कि मान लिया जाए ऐसा, अगर कोई आपको कह दे, चाहिए एलसीएम ही एक और निकालते हैं, कि मान लीजिए कि कह दे कि निकालिए इक्यासी सत्ताईस और अठारह का एलसीएम निकालिए, इस तीन संख्या का एलसीएम निकालिए, या और कोई चार संख्या बोल दे, चौथा संख्या बोल दे, मान लिया जाए तीस का एलसीएम निकालिए, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो गया तीन का पावर चार, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, इसके जगह पर तीन के पावर चार होगा ना, सताइस है तो तीन के पावर तीन और अठारह है तो क्या, नौ दुनी के अठारह होता है, तो तीन का स्क्वायर और दो और फिर तीस को क्या लिख सकते हैं, दस तीस है ना, तो टू इंटू फाइव इंटू थ्री, यही ना। चलिए अब इसमें प्रयोग होने वाले जो संख्या है उसको एक एक बार लिखिए, क्या यूज हुआ है, दो यूज हुआ है, फिर तीन यूज हुआ है, पांच हुआ है और कहीं कुछ तो नहीं हुआ, जो सात नहीं हुआ है, तो चलिए यही हुआ है। अब उसके बाद इसके हाईएस्ट पावर को लिखिए, हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट पावर दो के पावर कितना, यहां पर भी एक और यहां पर भी एक, यानी कि एक ही है, तीन के पावर कितना, तीन के पावर चार बार यूज हुआ है हाईएस्ट किसी भी संख्या में, तो यहां पर हाईएस्ट पावर चार हो गया। अब पांच कितना बार, एक ही बार, चलिए तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया, यानी कि दो गुने इक्यासी गुने पांच, यानी कि 810। समझ में आ रहा है बात, कहने का मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम लोग पढ़े हैं ना क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप घर पे जाइए और बताइए, जो जो मेथड हम दो तीन बताए ना उस मेथड से बनाइए, बचपन में तो सीखेंगे एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना कौन डिवीजन मेथड से, लेकिन अब एचसीएफ निकालना किससे सीखेंगे, हम अलग मेथड से चलेंगे। चलिए तो पहले हमको यहां पर भी वही है, पहला स्टेप में ये करना है स्टेप फर्स्ट, और दूसरा स्टेप में ये करना है स्टेप सेकंड, और तीसरा में करना है क्या स्टेप थर्ड, ठीक है। तो चलिए तो पहले लिखते हैं, मान लिया कोई नंबर ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 25 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा, चाहे एक इसको और आप इसको, चलिए 10 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो एचसीएफ अगर लिखना है हमको तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि पहले फैक्टर लिखिए, 25 का फैक्टर लिखिए, 10 का फैक्टर लिखिए और 15 का लिखिए। एलसीएम में हमने क्या लिखा था, इस तरीके से मल्टीपल को लिखा था, यहां पर क्या लिखेंगे फैक्टर को लिखेंगे, तो 25 का फैक्टर क्या होता है एक, एक के बाद क्या पांच, पांच के बाद किससे कटेगा 25 से ही कटेगा ना, कटेगा और कोई से नहीं कटेगा। चलिए पांच 10 के लिए एक से, दो से, पांच से और 10 से, ठीक है। चलिए और 15 किससे, तो एक फिर उसके बाद तीन उसके बाद पांच और उसके बाद किससे, उसके बाद 15 से ही। चलिए तो ये हम फैक्टर लिखे कौन, अति एलसीएम में क्या लिखते थे मल्टीपल लिखते थे, समझे थे ना आप बात को, है ना। नहीं अगर समझ में आए तो भी पूछना है, नहीं तो आप फिर वही निकालिए, अगर नहीं अब सीखने की इच्छा ही नहीं है तो एलसीएम जैसे निकालते थे बचपन से निकालिए, समय आपका जाएगा, हमारा क्या जी, हम तो समझा रहे हैं आपको। अगर रिजल्ट बनाना है आपको किसी भी जॉब में तो फास्ट होना पड़ेगा ना,
चलिए अब कह रहा है कि फैक्टर लिख दिए हम, पहला स्टेप तो कर दिए, दूसरा स्टेप कॉमन चुनेंगे। कॉमन कौन कौन है देखिए, कॉमन है एक 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 सब में, अब और कौन कॉमन है तो पांच पांच और पांच कॉमन है। अब देखिए कॉमन तो चुन दिए, लेकिन हमको क्या चुनना है, हाईएस्ट चुनना है, हाईएस्ट चुनना है मतलब सबसे बड़ा। इसमें एक और पांच में कौन बड़ा है जी, एक और पांच में कौन बड़ा है, ये दोनों तो कॉमन हो गया, जो तीनों में है, जो तीनों में है उसको कॉमन बोलते हैं, तो पांच ही ना हमारा हाईएस्ट है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, कोई दिक्कत, एचसीएफ क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। किया पहले फैक्टर चुना, फिर कॉमन चुना, फिर हाईएस्ट चुना, एचसीएफ निकालने का तरीका आप बचपन में पढ़े होंगे ये तरीका से कि 10 को भागा दीजिए 15 से, तो 10 एक कम 10 पांच आ गया शेष, तो फिर अब इसको 25 को लिख दीजिए, 25 है ना, तो ये डिवीजन मेथड हो गया। आपको ये इससे भी बनेगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा और इससे समय कम लगेगा, ठीक है। तो एक और पांच में कौन हाईएस्ट है, तो पांच है। तो एचसीएफ और एलसीएम का परिभाषा हमने सिखाया और एलसीएम को दो तीन तरीका बताया कैसे निकलता है, पहले तो ये कॉमन लिख करके, ठीक है, और फिर क्या बताया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया एलसीएम निकालना, और डिवीजन मैटर से तो आप जानते ही होंगे। चलिए तो एचसीएफ में भी उसी तरह से पहले कॉमन से बता दिया, ये कॉमन मेथड है, मतलब कॉमन निकालते हुए बनाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे किससे, और डिवीजन मेथड आप जानते ही होंगे। अब तीसरा मेथड और हम सिखाते हैं, ठीक है, तीसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे सिंपल है क्या, एचसीएफ निकालना किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीखे थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो उसी तरह से हम मान लेते हैं 25, 10 और 15 का हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो 25 का अति करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और 10 का कितना होगा, 10 का, नहीं तो आप ऐसे सजा के लिखिए अच्छा रहेगा। 25 को क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5, और 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर लिख दिया, अब हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन, कॉमन चुन लीजिए, कॉमन कौन कौन है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 5 का स्क्वायर है तो कहने का मतलब क्या, 5 गुने 5 है तो 5 यहां पर भी है, तो यही 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहता तो पिछले अभी बताए क्या कि पीछे बताएं कि पहले क्या लिखने हैं कि हम जो जो संख्या का प्रयोग किए हैं इसमें उसको लिखेंगे, कौन कौन संख्या का प्रयोग किए हैं, ठीक है, कौन कौन संख्या का प्रयोग किए हैं बताइए, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ 2 गुने 5 है, 3 गुने 5 है, तो हमने 2 का प्रयोग किया है, 3 का प्रयोग किया है, 5 का भी प्रयोग किया है, नहीं 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, कॉमन नहीं चेक करना है हमको, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन नहीं, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन का प्रयोग, ठीक है। तो 2 3 और 5 इसमें हाईएस्ट पावर, 2 का कितना है 1, 3 का कितना है तो 1, 5 का कितना है तो 5 का हाईएस्ट पावर 2 है, यही हमारा एलसीएम हो गया, यानी कि 25 × 6 = 150, यही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना कितना आसान है जी बताइए, तो ये मन में ही सोच लेंगे, अब आप पेन कॉपी का प्रयोग भी कम करेंगे, ठीक है। तो पहला हमने बताया डिवीजन मेथड, एलसीएम निकालना और क्या एचसीएफ निकालना, दोनों जो बचपन में सीखे थे ना, 6, 12 या 18, 24 एलसीएम निकालना, आप इससे भी निकाल सकते हैं। फिर हमने बताया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर हमने बताया क्या, किससे मेथड से, कॉमन लिखते हुए, है ना, कॉमन लेकर के और उसमें हाईएस्ट या लोवेस्ट चुनेंगे, एलसीएम के लिए लोवेस्ट और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट, ठीक है। अब इसका हमको निकालना है डिवीजन मेथड से, आप तीनों को एक जगह, तीन मेथड पढ़ लिए, अब तीनों को एक जगह करके देखिएगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें देखिए मान लीजिए इसको लिखना है तो 6, 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 का कितना, 6 का तो क्या होगा बोलिए, 2 × 3, ठीक है, 12 का कितना होगा तो 12 का होगा 2 × 3, यानी कि 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है, और 18 का कितना होगा, 18 का होगा 3 × 2, यानी कि 9 × 18 ना, 3 का स्क्वायर × 2, ठीक है, और 24 का कितना होगा तो 2 × 6 ना, 2 सॉरी 12 ना, तो 12 के लिए क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब
अगुने तीन अठती है चौबीस, ठीक है ये लिख दिए। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर दिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं, नहीं एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं जब प्रैक्टिस करेगा ना, और सम इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एलसीएम भी लिख सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों लिख सकते हैं। चलिए तो पहले क्या करेंगे, पहले एलसीएम के लिए जो जो प्रयोग हुआ है उसको लिखेंगे, क्या क्या प्रयोग हुआ है, दो तीन दो तीन दो तीन सब जगह दो तीन। अब चलिए इसमें हाईएस्ट पावर को चुनेंगे, दो का हाईएस्ट पावर कितना है कहीं प्रयोग किया गया, तीन बार। चलिए अब तीन का कितना, तो तीन का पावर दो बार है ना, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएम के लिए क्या कि सब में कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन देखिए दो गुने तीन सब में, यानी कि छ हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, क्या हो गया छ हमारा एचसीएफ हो गया। कॉमन लिख करके बताए हैं क्या कि छ बारह और अठारह का एलसीएम लिखने के लिए, अच्छा चौबीस के लिए क्या लिखेंगे, पहले हम एलसीएम लिखना है तो चलिए एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीपल लिखेंगे, नहीं मल्टीपल लिखेंगे तो क्या होगा छ बारह अठारह ऐसे चलते जाएंगे, और क्या इधर इधर चलते जाएंगे क्या चौबीस छत्तीस ऐसे करके, और उसमें कॉमन चुनेंगे और उसके बाद क्या उसका लोवेस्ट चुनेंगे। ये मेथड बताया ना अभी, तो ये भी एक तरीका है, ये तीन तरीका आपने सीख लिया एलसीएम एचसीएफ निकालने का। कल हम कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे इसी पर, ये बहुत ही इंट्रोडक्शन क्लास था, कुछ लोग कहेंगे कि तो हम लोग सीखेंगे तो उससे मतलब नहीं है, प्राइम फैक्टर से सीखना या फिर डिवीजन से सीखना हो सकता है सब सीखे होंगे, लेकिन रिवीजन करने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ है ना, अभी एलसीएम एचसीएम का चार पांच क्लास चलेगा, ठीक है बहुत सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, बस आप लोग खाली धैर्य बनाए रखिए और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल बिहारी योद्धा। जय हिंद जय।